हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को नमो बुद्धाय और जय भीम। आज हम बात करेंगे दोस्तों आमिर खान के बारे में। बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान बुद्ध की शरण में आए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, मामला ही कुछ ऐसा है। वैसे तो आमिर खान को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बॉलीवुड के नामी गिरामी आर्टिस्टों में उनका नाम है। लेकिन पिछले कुछ समय से ये जो बॉलीवुड का सितारा है, उसके सितारे खुद गर्दिश में आ गए हैं। जी हाँ, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बुरी तरह फ्लॉप होने के बाद उन्होंने लाल सिंह चड्ढा बनाई, जो कि पूरी ट्रेंड चली बॉयकॉट के नाम से, और उन्हें पूरे भारतीय ऑडियंस ने उनको बॉयकॉट कर दिया, जिसके वजह से शायद वो पूरी तरह से डिप्रेशन में आ गए हैं। कुछ नए प्रोजेक्ट की तलाश में है, लेकिन उनको कुछ अच्छा काम मिल नहीं रहा। इसके लिए उन्होंने अपनी बिजी जिंदगी में से 11 दिन का ब्रेक लिया है और वो पहुंच गए हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू में। जी हाँ, काठमांडू में बोधि नीलकंठ ये मेडिटेशन सेंटर में वो रुकेंगे। एयरपोर्ट के अधिकारियों से बात करने के बाद उन्होंने बताया कि आमिर खान यहाँ पे स्पेशली मेडिटेशन करने ही आए हैं। जी हाँ, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी हो और पिछले कुछ सालों से उनके साथ जो हो रहा है, जिसकी वजह से वो मानसिक रूप से थोड़े त्रस्त है, इसलिए वो शायद मेडिटेशन करने आए हैं काठमांडू में। दोस्तों, वो पूरा 10 दिन का जो मेडिटेशन का कोर्स है वो पूरा करेंगे। उसके बाद वो और एक दिन वहाँ पर रेस्ट करके 11 दिन रुकने के बाद वो फिर से मुंबई वापस लौटेंगे और फिर से फिल्मों की शूटिंग स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इससे ये सबक मिलता है कि चाहे आप कितने भी ताकतवर हो, कितने भी पैसे वाले हो, या कितने भी पावरफुल इंसान हो, पूरी दुनिया आप मुट्ठी में करो, लेकिन आपको जब तक दिमाग की शांति नहीं मिलती है, तब तक आपका कुछ भी नहीं हो सकता। जी हाँ, इसीलिए सबको भगवान बुद्ध की शरण में आना ही होता है। आमिर खान एक ताज़ा एग्जांपल है कि अपना मन शांत करने के लिए, दिमाग शांत करने के लिए उनको मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ गई है, भगवान बुद्ध के मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ गई है, भगवान बुद्ध की ज़रूरत पड़ गई है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमो बुद्धाय और जय भीम दोस्तों।